गुड मॉर्निंग। तो अगले दिन हम लोग कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को लेकर आप लोग के बीच चल रहे थे, जिसमें पढ़ रहे थे पहले कि जो पदार्थ होते हैं ठोस द्रव गैस तीन भौतिक अवस्थाओं में होते हैं। केमिकल व्यू के आधार पर पदार्थों को तत्व मिश्रण यौगिक में बांटा गया और उसके बाद किसी भी पदार्थ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर बट डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और फिर आगे पढ़े कि मॉलिक्यूल का भी सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है एटम कहलाता है। एटम के बारे में पढ़े कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मॉलिक्यूल और ए सब्सटेंस विच डोंट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर मींस दैट कैन नेवर बी सीन बाय नेकेड आइज। इट कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोपिक आइज बट इट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। आगे पढ़े कि एन एटम इज डिविजिबल आल्सो एंड इट वाज फर्स्टली शोन बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर पढ़े कि एटम में अब तक टिल नाउ 37 पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है, जिसमें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है प्रोटॉन क्या है न्यूट्रॉन क्या है इन बातों को ही पढ़ चुके थे। और पढ़े थे कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है जिसके मिडिल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ये पार्ट जो न्यूक्लियर पार्ट है इसको इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने भी पार्टिकल होते हैं सभी इस न्यूक्लियस में होते हैं। बट लिविंग बिहाइंड न्यूक्लियस द आउटर पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड सेल और ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव कॉन्स्टेंटली। फिर उसके बाद पढ़े थे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को सिंबलाइज किया जाता है जेड से एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी बातों को हम लोग अगले दिन तक पढ़े। लेकिन अब इसमें एक और चीज आप लोगों को जान लेना चाहिए, व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर को इंडिकेट किया जाता है ए से। और यह क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के मास एटम में उपस्थित रहने वाले मास वाले पार्टिकल पर डिपेंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एटम में मास वाले पार्टिकल मेनली दो होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनका मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, दैट इज वन होता है। सो किसी भी एलिमेंट का मास इसके न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्याओं के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। मास नंबर इज इंडिकेटेड बाय ए एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित द्रव्यमान वाले कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं के योगफल को ही तत्व की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है, जिसका मास नियरली इक्वल टू वन होता है। और इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योगफल को तत्व की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। बट या ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की एटॉमिक नंबर है जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन के जगह पर लिख सकते हैं जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो यदि ए और जेड मालूम रहे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर मालूम रहे, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल
if you take an example sodium, its symbol Na, atomic number 11 और इसका mass number होता है 23। अब ये सब experimental finding है, atomic number, mass number, इसको experimentally determine किया गया है, तो ये सब कुछ element का atomic number और mass number याद रखना पड़ेगा। और यदि आपको atomic number, mass number, element का याद हो तो इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप इसको इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटमिक नंबर 11 है और यू नो एटमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सोडियम एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, सोडियम एटम में, सोडियम परमाणु में एटमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स भी बता सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर इसका है 23, एटॉमिक नंबर 11 है तो 23 माइनस 11 विल बी इक्वल टू 12 और इसमें 12 न्यूट्रॉन होंगे। सो यदि आप एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखें तो उसका तीन तीन फायदा आपको मिल सकता है। क्या? प्रोटॉन की संख्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या भी बता सकते हैं। जैसे अभी यहां पर देख रहे थे कि एटॉमिक नंबर इसका 11, मास नंबर 23 है तो एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर बराबर उतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे आयरन, आयरन का लैटिन नाम फेरम, इसका सिंबल Fe, एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56। सो Fe एटम में कितना प्रोटॉन होगा, 26 प्रोटॉन होगा, 26 इलेक्ट्रॉन भी होगा और 56 माइनस 26 मींस 30 न्यूट्रॉन। और इस प्रकार से कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। इसके लिए आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th और 10th क्लासेस में भी पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर होगा, उसमें पीरियोडिक टेबल बना हुआ होगा, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर यह सब दिया हुआ है, आप उसको याद कर सकते हो। ऐसे यह जो पीरियोडिक टेबल है या आप इसको देख सकते हैं, ऐसा ही पीरियोडिक टेबल आपके बुक में बना हुआ है, 10th क्लास वाले किताबों में भी या उसके और कोई हेल्पफुल किताब खरीदे होगे तो उसको भी देखो होगे, ऐसा एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ आपको किताब में दिखाई पड़ेगा और उस पीरियोडिक टेबल से आप डिफरेंट एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर आप उसको बिल्कुल याद कर लो, कम से कम 1 to 50 तक, 1 to 30, 36 तक भी याद कर लोगे तो आपको सुविधा होगी। ऐसे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सिंबल इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हुए हमेशा बार बार रिपीट करते हुए याद करते रहना चाहिए। ऐसे हमने यहां पर कुछ एलिमेंट का नेम ऑफ एलिमेंट, उसका सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऐसे बोर्ड पर लिख भी दिया है, आप इसको निश्चित रूप से याद कर लेने की कोशिश करें। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर होता है इसका सिंबल A, हाइड्रोजन का एग्जैक्टली एटॉमिक मास होता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास को व्यक्त करने की एक छोटी सी इकाई है। आगे हम लोग अब मोल कंसेप्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें इन सारी बातों को पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास कैसे निकाला गया है, लेकिन ये सब निकाल करके एक्सपेरिमेंटली जो आया है वैसे कुछ कांस्टेंट वैल्यू है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसको आपको याद रखना चाहिए। जो ऐसे बता चुके हैं कि जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास या मास नंबर एग्जैक्टली होता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको नियरली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 1 याद रख सकते हैं। सिमिलरली हीलियम
एक दूसरा एलिमेंट है जिसका सिंबल He एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर इज इक्वल टू 4.017 बट नियरली इसको लगभग बराबर के रूप में लिख सकते हैं 4.017 को नियरली इक्वल टू 4 लिख सकते हैं और ऐसा करके होल नंबर में नियर अबाउट एटॉमिक मास हमने इसको लिखा है जो आपको याद रखने में काफी सुविधा होगी। इसको आप लोग पूरा पूरा याद रखो और ऐसे करके देखोगे तो एक ट्रिक में मिल सकता है। ट्रिक क्या मिलेगा कि जो मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसके एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल या दुगुना से भी कुछ अधिक होता है, एकमात्र एक हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही मास नंबर है, बट बाकी एलिमेंट्स का मास नंबर उसके एटॉमिक नंबर का लगभग दुगुना या उससे भी कुछ अधिक होता है। तो ऐसे दिमाग में ट्रिक रखते हुए ऐसे सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और नियरली उसका एटॉमिक मास नंबर याद रखना चाहिए। ऐसे आगे पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर होता है, मास नंबर फ्रैक्शनली फिगर में ही होता है, क्योंकि हम एटॉमिक मास एलिमेंट में उपस्थित डिफरेंट आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस के परसेंटेज एवरेज को कहा जाता है। तो किसी भी एलिमेंट में जितने आइसोटोप्स होते हैं उसका परसेंटेज एवरेज निकालते हैं तो वह फ्रैक्शनल इंटीगर में ही होता है। इसलिए एटॉमिक मास फ्रैक्शनल इंटीगर होता है जबकि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। लेकिन आसानी से याद रखने में सुविधा हो इसलिए एटॉमिक मास को नियरली होल नंबर में बदल करके याद रखा जाना चाहिए, याद रख सकते हैं। और अब यदि इतना कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट आपको हो गया है तो आप अपने केमिस्ट्री सिलेबस का अब चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे कुछ चैप्टर जिसका नाम आप लोग सुने हैं नाइन्थ में भी टेंथ में भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात आपको नाइन्थ टेंथ क्लास के सिलेबस में पढ़नी थी, अब हायर क्लासेस में आपको डिटेल में पढ़ना होगा और ऐसे सिलेबस के अनुसार अब आपका एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना। बंधुओं ध्यान देना, ये मोल कंसेप्ट चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये आपका बिगिनिंग क्लास से स्टार्ट होता है। आप लोग नाइन्थ में भी मोल संकल्पना पढ़े होंगे और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनाना होता है जो आईआईटी एग्जाम तक भी पूछे जाते हैं, लेकिन शायद आप लोग अपने बिलो स्टैंडर्ड के क्लासेस में इस सब चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को नहीं बनाए होंगे, जबकि सब न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है केमिस्ट्री का। पहले से कह रहे हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट अच्छा से होना चाहिए, तो इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए कुछ नहीं बस 5-6 डेफिनेशंस है जिसको अच्छा से आपको अपने दिमाग से समझते हुए हर्ट तक पहुंचाना है, गेट बाय हर्ट कर लेना है, तब इसका सब प्रॉब्लम समझ में आएगा और जब प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन परमाणु द्रव्यमान। अभी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे यही एटॉमिक मास नंबर, ये एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, जैसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, जैसे कह रहे हैं हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात की चर्चा को लेकर आपके इस चैप्टर मोल कंसेप्ट जो आपका सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर है। और सारे स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे कहते मिलते हैं तो भाई मोल कंसेप्ट बड़ा कठिन लगता है, लेकिन यह मोल कंसेप्ट हमारे थ्रू आप YouTube चैनल पर हमसे कनेक्ट होकर के कंप्लीट कर लीजिए, आपका शायद यह सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा। सो मेरे प्यारे ध्यान देना, एटॉमिक मास भाटी का एटॉमिक मास यहीं से आपके इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं।
ये एटॉमिक मास क्या है आपको लगता होगा? सर कह रहे थे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास कुछ अलग अलग है। कहीं कहीं पर देख रहे हैं कि आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 है और कैल्सियम का भी एटॉमिक मास 40 है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। सो किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसका एटॉमिक नंबर है एंड नॉट द एटॉमिक मास। बट एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया गया, कैसे इसका डिटरमिनेशन किया गया, इसके डेफिनेशन से यह बात स्पष्ट हो सकता है। आप लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अब तक ज्ञात सभी तत्वों में सबसे हल्का होता है और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है। इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन भी नहीं होते। ध्यान देना, सभी एलिमेंट में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, बट सभी एलिमेंट में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते, बट बाकी सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन अवश्य होते हैं। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर है और हाइड्रोजन ही सबसे हल्का एलिमेंट है। सो इसी हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट मानते हुए हाइड्रोजन के इस आइसोटोप को जिसका एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसी को सबसे पहले स्टैंडर्ड मानते हुए एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। कैसे? ध्यान देना, किसी एलिमेंट का, किसी तत्व का एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाता है कि उसके एक एटम का भार, एक एटम का द्रव्यमान हाइड्रोजन 1 आइसोटोप के एक एटम के मास से कितना गुना भारी होता है। फिर से, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन 1 आइसोटोप के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से 12 गुना विशेष भारी होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से 14 गुना विशेष भारी होता है। इसलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होगा, 14। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान से 16 गुना विशेष भारी होता है। तो कहते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16 होगा। लेकिन हाइड्रोजन में डिफरेंट मास वाले आइसोटोप्स होते हैं। कुछ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कुछ आइसोटोप का 2, कुछ का 3, ऐसा होता है। सो लेकिन सभी एलिमेंट में आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट मास वाले आइसोटोप्स होते हैं, और इसलिए अब कार्बन जिसमें मात्र 2 आइसोटोप होते हैं, C12 और C14, ऐसे 2 आइसोटोप होते हैं जिसमें C14 की मात्रा बहुत कम होती है। यह देखा जाता है कि 1 ग्राम कार्बन में लगभग 0.03 मिलीग्राम कार्बन 14 होता है और बाकी सभी एटम्स का मास 12 होता है। इसलिए इस कार्बन 12 को ही एक स्टैंडर्ड आइसोटोप मानते हुए और एटॉमिक मास को निकाला जाता है, डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास को। अब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानते हुए उसका डिटरमिनेशन किया जाता है। सो अब इसके आधार पर कार्बन या दूसरे सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास का डिटरमिनेशन किया गया है और इसके आधार पर भी कार्बनिक परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा दी गई है। लेकिन अब आज के लेक्चर का समय कंप्लीट हो रहा है, सो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं और कल कंप्लीट मोल कंसेप्ट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप हमारे इस मोल कंसेप्ट लेक्चर को कंप्लीटली फॉलो करते जाओ YouTube चैनल पर। आप हमेशा केमिस्ट्री के सबसे अच्छा स्टूडेंट बनते चले जाओगे।
इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपसे हम आज फिर विदा लेते हैं। घर पर रहो, खूब खाओ, खूब पियो, अपने मम्मी पापा पूरे परिवारजनों का सेवा करते रहो और पढ़ाई को बुलंदियों तक पहुंचाते रहो हमारे साथ केमिस्ट्री क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।